बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे सुजुकी बोलान के बारे में। तो हम कंप्लीट इसकी डिटेल में इसकी तफसील देखेंगे कि क्या सच में इसकी जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में वो बंद होने जा रही है या नहीं। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। तो जब ये आई थी हमारे पास सुजुकी बोलान, ये 1988 में आई थी। उस टाइम पर भी हमें तकरीबन ये यही स्पेक्स दे रही थी जिसमें 800 cc इंजन था। बाकी ओवरऑल जो इसकी लुक थी उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की है अभी तक जो कंपनी है इसने। तो अभी जो साल चल रहा है 2024, इसमें काफ़ी इसकी पहले भी न्यूज़ आई थी कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में स्टॉप होने वाली है। लेकिन अभी ये ऑफिशियली इसकी जो न्यूज़ है वो पार्क व्हील ने भी मतलब अनाउंस किया है कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में वाकई ही स्टॉप होने वाली है। ये 2025 में हमें नहीं मिलेगी। तो अभी भी इस टाइम पे भी मतलब कंफर्म नहीं है कि इसकी जो बुकिंग है वो हो रही है या नहीं। लेकिन अभी तक जो मतलब अथेंटिक न्यूज़ है वो ये है कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो जल्दी पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी इसकी प्रोडक्शन। तो कंपनी इसे किस अपने मॉडल से, किस वेरियंट से रिप्लेस करेगी तो उसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है। वो जैसे ही इसकी कोई भी न्यूज़ आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। शायद वाली बात है इसकी जगह पर मतलब जो सुजुकी की एवरी है वो दोबारा से आ जाए या कोई और गाड़ी सुजुकी जो है वो निकाले, क्योंकि ये जो गाड़ी थी ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए मतलब थी। इसको फैमिली जो हैं मतलब वो भी ख़रीदते हैं, और इसके अलावा बाकी मतलब कोई अपना जो बिज़नेस पार्टनर है इसको बनाना चाहे वो भी इसको बना सकता है, ठीक है। मतलब ये मल्टीपर्पज़ जो व्हीकल है ये वो थी। तो इसमें अगर इसके स्पेक्स देखें तो जो इस टाइम पे हमारे पास आ रहे हैं 2024 मॉडल तक, तो उसमें हमारे पास इसमें वही 800 सीसी का इंजन है। तो जिसकी अगर हम उसमें थोड़ी सी देखें ना 1988 से अभी तक 2024 में क्या चेंजिंग की थी कंपनी ने, तो उसने हमें मतलब EFI सिस्टम दिया था जिससे इसकी जो एवरेज है उसमें हमें ना काफ़ी फ़र्क देखने को मिला था। तो इस टाइम पे 2024 में जो अभी भी लेना चाहते हैं उनके लिए अभी भी गोल्डन चांस है, क्योंकि जिनके पास पहले ऑलरेडी सुजुकी बोलान है उनकी तो लॉटरी लग गई है कि इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर आपको मिलती है तो ये वाला गोल्डन चांस है आपके लिए कि आप इसको ख़रीद लें, और इसके मतलब जितने में आप ख़रीदेंगे उससे ज़्यादा मिल जाएगी। जैसा कि सुजुकी मेहरान को हमने देखा है जब उसकी मतलब प्रोडक्शन बंद हुई थी, क्या कीमत थी जब वो मतलब ना उसका जो आखिरी मॉडल था 2019 मॉडल वो किस प्राइस में अभी तक सेल हो रहा है, इस चीज़ का आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा। तो इसमें हमें अभी तक जो 2024 मॉडल में मिल रहा है वो EFI वाटर कूल्ड इंजन है 3 सिलेंडर के साथ, और इसके अलावा लीफ स्प्रिंग वही सस्पेंशन वगैरह सब कुछ सेम है। सीटिंग कैपेसिटी 5% की पेट्रोल इंजन के साथ, 36 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ, बिल्कुल सब कुछ सेम है। लेकिन अभी जो इसकी बैड न्यूज़ है वो यही है कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में बंद कर दी जाएगी जल्द ही। तो इसीलिए अगर आपने अभी भी इसको बुक करवाना है या ख़रीदना है तो अगर आपको मिल रही है तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए। सुजुकी मेहरान से आप सीख लें तो इस चीज़ से आपको मतलब ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।